गोट में, तो इसमें भी ये प्रॉब्लम आ रहे हैं कुछ, तो थोड़ा बहुत ये इन्फेक्शन वगैरह आ जाते हैं इस मौसम में। ये आई सी देखो यहाँ पे पीप टाइप जो नेजल डिस्चार्ज है, पारोलेंट नेजल डिस्चार्ज इसको कहते हैं, ये भी आ रहा है। और साथ ये कुछ ना कुछ ये वाइटस है, कुछ थोड़े बहुत हेमरेजिस भी है। ये कान देखिए, इसमें भी ये गंद वगैरह ये पिसू वगैरह आ जाते हैं। दूसरा इसमें ये इंतहाई कमज़ोर है, ये बाल सारे निकल रहे हैं, इंतहाई वीक है, एमिसिएटेड है। ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस सर्दी के मौसम में इनकी न्यूट्रिशन का ख्याल करना है, प्रॉपर डिवॉर्मिंग करनी है। जो अभी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ वो ये है, जो पहले भी मैं एक वीडियो आप लोग को इस पर अपलोड कर चुका हूँ, उसमें मैंने बताया था कि इन बकरियों में ये नाखून बढ़ जाते हैं। तो ये नाखून जब बढ़ते हैं तो ये स्लिपरी हो जाते हैं। अब ये नाखून है, ये मैंने बताया आपको, ये देखो इसका नाखून ये इतना बढ़ जाता है। हम अपने नाखून वगैरह जो हैं हफ्ते दो बाद काटते हैं, तो ये जानवरों में भी, बकरियों, भेड़ बकरियों में, गाय भैंसों में भी बढ़ते हैं। अब ये देखो इसकी पाँव की जो एक डायरेक्शन थी, ये डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए। अब ये मुकम्मल इसकी जो जो ये पोर्शन है पाँव का, ये जो फुट है, इसकी जो कला है, ये कला बिल्कुल इधर मुड़ी हुई है। ये देखो इतना गैप इसमें आया हुआ है, ये देखो ये थोड़ी बहुत नॉर्मल है, ये काफ़ी इधर तक ये वापस आई है। ये देखो इधर पीछे से देख लें, ये देखो ये नाखून कंप्लीटली इधर आई है। ये एक ये इस लेवल में सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये इधर निकली हुई है। अब ये देखो नाखून सारे पटे हुए, ये नाखून है, ये देखो ये बिल्कुल इधर की। तो ये स्लिप होने की वजह से इनमें ये लेमनेस पट्टे काम छोड़ देते हैं, ये लंगड़ा पानी इसमें आते हैं। अगर प्रेग्नेंट है तो उसमें पेट पे जब वजन होता है तो उसमें फिर ये होता है कि जानवर बैठ जाता है, फिर उठ नहीं सकता इसी वजह से। अब आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसको हम काटते कैसे। जो पहले मैंने आपको बताया कि एक आला होता है ट्रिमर, जिसके थ्रू हम इसको काटते हैं, तो अभी आप लोगों को बताता हूँ कि उसको कैसे आप लोगों ने प्रॉपरली काटना है। ये वो ट्रिमर है जिसके थ्रू हम इनके नाखून वगैरह प्रॉपर तरीके से काटते हैं, और इनके एक लेवल आ जाता है। ये कम से कम जानवरों का, आप लोगों ने जितने भी करीबी वेटनरी हॉस्पिटल है या जो डॉक्टर हजरात है, वेटनरी डॉक्टर, उनसे बाकायदा इनकी ये नाखून कटवाया करें, ट्रिमिंग करवाया करें, ताकि इनमें फिर अगले जो मसाइल आते हैं वो इनमें ना आए और ये बच सके। अब ये देख लें, या अभी इनकी पूरी जो है ना कटाई हो गई, एक लेवल पे आ गई है, ठीक है, एक लेवल। अब ये ज़मीन पे जब रखेगी तो उनको ये तकलीफ़ नहीं होगा कि पाँव इधर उधर मोड़ेंगे, ठीक है। इसकी लेवल देखो, ये कटाई होगी। अब ये पिछले पाँव की, ये नाखून देख लें इस पाँव की, ये इतना बड़ा नाखून है, ये पूरा यहाँ से आप ये काटेंगे, इसको कहते हैं ट्रिमिंग, ट्रिमिंग इसको कहते हैं। जिस तरह हम अपने नाखून काटते हैं, ये देखो इतना बड़ा ये नाखून देखें, ये बड़ा इतना नाखून, ये देखें मुकम्मल ये अलग हुआ है। ये अब ये देखो पाँव मुकम्मल इसकी जो है एक लेवल पे आ गई है। आपने रेगुलरली ये सारा करवाना है। मिला हुआ, ठीक है, ये इसमें अब इनकी हो गई। अब ये दूसरे पाँव के देख लें, ये देखो इतना ये नाखून बढ़ गया है। इस पाँव की देख लें, ये इतना छोटा है, ये कुछ ना कुछ बेहतर है। और इस पाँव की देख लें, ये नाखून इतने बढ़ गए हैं,
ये सारा यहाँ तक ये आगे ये नाखून ये ये ज़ाहरी तौर पे आप लोगों को बहुत छोटा मसला लगता है, लेकिन इससे जितने भी मसाइल एक जानवर को होते हैं ना, वो फिर बाद में उसके बहुत ज़्यादा वो मसले मसाइल बढ़ जाते हैं। अब ये देखो ये नाखून, ये बिल्कुल ये देखो एक लेवल पे हो गया। अब ये पाँव रखेगा तो इसको मसला नहीं होगा कि ऊपर नीचे का कोई मसला नहीं हो गया। अब ये दूसरा है, इसको भी लेवल करते। अब ये देखो दोनों नाखून ऐसे बंद हो के आए हैं, ये देख। अब पहले आप लोगों ने देख लिया था, अब ट्रिमिंग के बाद आला से जो काटा है, अब ये देखो एक लेवल आ गया। अब ये जब रखेगा तो पाँव बिल्कुल इस तरह आ जाएगा, इधर दिखा, ये देखो पाँव बिल्कुल सीधा अपनी लेवल पर आएगा। तो इनको जो बाकी पाँव में मोच आना, पाँव की वजह से लंगड़ापन होना और उसके बाद में मसाइल बढ़ते जाते हैं, तो ये नहीं होगा, किसी जगह पर चढ़ नहीं सकेगा, गिरेगा बार बार। खुराक के पीछे अगर आप ग्रेजिंग कर रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, तो वो जा नहीं सकेगी, गर्मी कड़ी होगी, तो ये मसाइल सारे इसमें आ जाते हैं कि दूर तक फिर जा नहीं सकती खुराक के पीछे, ग्रेजिंग के पीछे, तो रेवड़ में ये पीछे पीछे रहेगी इन मसाइल की वजह से। तो ये देखो ये सारे इसकी नाखून जो है ना, ये प्रॉपर इसकी ट्रिमिंग हो गई है इनकी। ये बकरियों में, भेड़ वगैरह में और साथ भैंस और गाय सब में ये मसाइल होते हैं, तो प्रॉपर इनके आप लोग जो है ट्रिमिंग क्या करें, एक लेवल पे लेके आना है इनको, ठीक है। ये देख लें ये अगले वाले, ये एक मिनट, ये देख लो जो मैंने कहा कि बिल्कुल इस तरह हो जाती। अब ये नाखून बड़े नाखून यहाँ होने चाहिए, जगह ये ऐसी होनी चाहिए, लेकिन ये देख लें ये नाखून सारे बढ़ चुके हैं। अब चारों पाँव की एक लेवल हो गई है, तो मकसद मेरा ये है कि जिन जिन लोगों को ये मामूली मसला होता है, लेकिन जिन जिन लोगों को पता नहीं होता, जो जानवर वगैरह पालते हैं, जो रखते हैं घरों में, तो आप लोग प्रॉपरली वेटनरी डॉक्टर या करीबी अस्पताल, उनसे आप ये प्रॉपरली, ये जितने भी आपके करीबी वेटनरी हॉस्पिटल है या डिस्पेंसरियाँ हैं या साथ जो है ना वेटनरी डॉक्टर जो भी हैं, क्लिनिक हैं, उनके पास लेके जाएं, तो ये कम से कम ये आप 3, 5 या 6 महीने में एक दफ़ा ज़रूर करवाएं, ताकि ये इनके फिर मसाइल नहीं बढ़ते। ये आप ज़रा उठा लें।
पहले इनमें लंगड़ापन था, जब ये चल रही थी तो ये प्रॉपर तरीके से नहीं चल सकती थी। अब कुछ दिनों के बाद जो है ना ये अपने लेवल पे आ जाएगी, क्योंकि जब आप इसकी फुटिंग सही हो जाएगी, एक लेवल पे आ गया है, तो इनमें फिर वो लंगड़ापन वगैरह जो है वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा।